अच्छा चलो कंपैटिबिलिटी खेलते हैं ना, वो नीलाम घर वाला नहीं होता था शो। बस हम मियां बीवी को दोनों में से किसी को बाहर नहीं भेज रहे। अच्छा ठीक, सामने 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 हमने आंसर जो है इनसे पहले से पूछ लिए दोनों से अलग अलग। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि नहीं। ओके चलो भाई शहरोज तुमसे सवाल। सदफ की आंखों में आंसू फौरन किन बातों पर आ जाते? एकदम क्लियर, मेरे गुस्से पे। क्लियर नहीं, आंसू आ रहे हैं मेरे गुस्से पे। सही जवाब। ये मैंने दिया ना? हाँ तुम दे चुकी हो ना जवाब? दे चुकी हूँ। अच्छा ये ज्यादा किन बातों पे गुस्सीला है? जब इसकी कोई बात कोई समझे भी ना और सुने भी ना, ये सही बात करता है। कहता है जब ये काम सही है तो ये गलत क्यों हो रहा है? गलत बात बर्दाश्त नहीं नहीं होती। ओए होए, फुल चाहे कुछ भी हो। हाँ कहता है ग्रे नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होता है बस। अच्छा कपड़े वगैरह ऐसे हो उस पर डांट देता है या खाना देर से मिला है? नहीं नहीं डांटता, दुपट्टा पहनो। हाँ ऐसे पहनो, बाहर नौकर हैं। सारे मियाँ एक जैसे होते हैं वैसे? हाँ सारे सही मियाँ ऐसे ही होते हैं। अच्छी बात है। जिनको प्यार होता है, जो इज्जत करवाना जानते हैं अपनी बीवी की, वो ऐसे ही होते हैं। ओके पहली मुलाकात की कोई ऐसी खास बात जो याद है मुझे? सदफ को याद है, उसने बता दिया, अब आप बताओ। कि मुझे इसने जो परफ्यूम लगाई भी थी बहुत पसंद आई। वही बात है? हाँ नहीं कसम खुदा की। हुआ ये था कि मैंने परफ्यूम लगाई भी थी। हाँ और वो न्यू बॉटल थी, वन ऑफ द फर्स्ट। हाँ कोई न्यू बॉटल थी, वो नेम उसका ले सकती हूँ? हाँ ले लो। डियो की बॉटल थी। हाँ तो मुझे उसके ऊपर जो नाम था वो नहीं पता था, तो मैंने वो देखी नहीं थी, मैंने ले ली, मुझे पसंद आई, मॉल बाहर से मैं गई थी। अब मैं इसके साथ खड़ा हुआ। अब वो न्यू बॉटल है और मैंने वो रखी हुई। उस दिन इतफाक से मैंने वो रिहर्सल्स पे लगा ली। हाँ ऐसे ही ना आप लगा लेते, न्यू है चलो लगा लेती हूँ। हाँ मैंने वो लगाई और मैं गई हूँ तो शेरोज कहते हैं स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन कहाँ से आ रही है? नहीं मैंने बोला, मैंने नाम लिया परफ्यूम का जो उसको पता ही नहीं था, खुद लगा के आई है, परफ्यूम का नाम नहीं पता। मैंने कहा यार ये ग्री डियो किसने लगाई है? ग्री डियो किसने लगाई? मैंने कहा अगर इसने लगाई होगी, तुमने कहा? मैंने कहा ग्री किसने लगाई? मैंने कहा इसने लगाई होगी तो बोल देगी। अब मैं कोरियोग्राफर को देख रहा हूँ, मैंने कहा इसने लगाई है, इसने लगाई है, और मैंने लगाई है, जानता नहीं इस परफ्यूम के बारे में। मैंने कहा ग्री सदफ ने लगाई होती तो मुझे बता देती। अब मैं कह रहा हूँ ग्री किसने? कहती है बाद में आधे एक घंटे बाद कहती है सुनो मैंने एक लगाई है डियोर की है। मैंने कहा ग्री डियोर तो नहीं है वो? कहती ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा तो मैं याद है ये यार, ये याद है। ओह माय गॉड मैं जीत रहा हूँ। वो एक ताना जो सदफ अक्सर मुझे देती है। और ताने देती है? एक ताना, वो एक ताना जो अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ कि तुम्हें पता है मुझे नहीं पता। चलो एक और मौका दिया तुम्हें इसके अलावा। एक तो ये ताना है। हाँ तुम ही जानते हो सब, मैं तो नहीं जानती। एक तो ये ताना है एक जो ओसीडी पे होता है। अल्लाह ये क्यों बता दिया? बता दिया अब नहीं मान रही मैं इसको, नहीं होता। चलो ये मैं जीरो पॉइंट। चीजें समेट के रखो। ओसीडी है बहुत ज्यादा। हाँ इसको भी है। अच्छा लेकिन इसको किसी और चीजों में ओसीडी है। मुझे तो घर के मामलात में कि बाथरूम में तौलिया, तौलिया फेंकता है, तौलिया रख देता है बेसन के ऊपर, बेसन पे छोड़ देता, ऊपर रख देता है कहीं भी रख देता है गीला। और मैं आदत है मुझे उसको जरा संभालने की, सूख जाए तो वापस रख दूं। और मेरा ये है कि जब मैं पहुंचता हूँ हाथ तो मैं गलती से वहीं छोड़ देता हूँ। शहरी प्लीज वही जूते इधर उधर उतार देता है। मैं उठाती हूं, बाथरूम गीला कर देता है, फुल गीला फुल मैं साफ करती हूँ जूते। ये आता है जिम से उतार के रख, फिर मैं उठा के रख देती हूँ। पिछली दफा मैं गिर चुकी हूँ यासर के जूते बीच में पड़े। मैं कहा यार एक तो मैं अंधी हूँ नजर आता नहीं और जूते बीच में। अच्छा सदफ तुम्हारे किस एक्ट से ज्यादा सबसे ज्यादा खुश होती? मेरे किस एक्ट में? मेरी कौन सी हरकत से? हाँ किसी भी। अच्छा खुश होती है, मैं इसको फनी बातें बहुत करता हूँ। एक और चांस है? और हाँ एक और चांस। ये मेरे कि मैं लोगों से बात अच्छी तरह करके उनको अपना बना लेता हूँ। इसने कहा कि जिस तरह तुम चीजों को सिचुएशंस को हैंडल कर, सेम बात
फिर मैं लोगों से बात करके उनको अपने जिस तरह ओके मान लेते हैं भाई. हाँ वो कौन सी बात है जिस पर अक्सर नाराजगी हो जाती है? नाराजगी होती है मुझे गलत लहजा नहीं पसंद. अच्छा जैसे जोर से बोल लिया और हाँ, मुझे लहजा गलत. मैं कहता हूँ जो कह लो बुरी से बुरी बात कर लो मुश्किल से मुश्किल मुझे प्रॉब्लम सुना दो लहजा बेहतरीन होना चाहिए तो बस उस पे मुझे मुझे लगता है उस पे मेरा लहजा तो सफाई किस पे मेरा लहजा तो बहुत अच्छा अच्छा सफाई से यार सफाई अच्छा सफाई पे होती है. हाँ सफाई पे होती है. अच्छा तुम्हारी साइड से लड़ाई? हाँ मैं समझ रहा था मेरी साइड से लड़ाई. ठीक है ठीक है मेरी साइड से इसके सफाई वही ओसीडी वाला प्रॉब्लम. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सदफ अपने पैसे सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करती है? कपड़े कपड़े सदफ अपने पैसे सबसे ज्यादा कपड़ों पे परफ्यूम्स पे बैग्स पे बस आ गया. मतलब वही मेरे कहने का मकसद वार्डरोब पे और कुछ भी नहीं है. अपने भी उस पे खर्च मेरे भी उस पे खर्च. अच्छा खाने पीने का शौक है तुम लोग को जाके होटलें वो बहुत हम दोनों बहुत ज्यादा अलग अलग कुजींस ट्राई करना और बहुत फूडी है हम लोग. हाँ वी लव ईटिंग. तो तुम लोग अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो भाई? तो गॉड गिफ्टेड है मुझे ये तो गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह. ईट अ लॉट डाइट करता हूँ मुझे लग जाता है अगर मैं गलत डाइट करूँ. मीठा बहुत शौकीन हूँ एक्चुअली. ये डाइट इसको लकी है कि इसको मीठे का दिल नहीं चाहता. मैं मीठे का बिल्कुल. तुम क्या खाती हो? चावल पराठे नहीं मैं फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट्स बहुत खाती है. फ्रूट्स बहुत खाती है. मैं फ्रूट्स पे आ गया और मैं इसका थैंकफुल हूँ कि मुझे समझ आ गया है. और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स चार दिन बाद आपको केक और चॉकलेट्स की तरह लगने लगेंगे आपकी बॉडी को आदत डालनी है कि ये बहुत मीठे हैं. अभी खाएंगे तो आपको वो मिठास का कंपैरिजन नहीं है जो चॉकलेट और टॉफी में होता है. लेकिन बाद में चार पांच दिन बाद अब तो मैं अभी घर जाऊंगा तो तरबूज कटवाऊंगा. ओह मुझे मीठे का बहुत शौक. अच्छा तो मैंने मीठे की क्रेविंग आप जो है फ्रूट्स में ढूंढनी है अब क्योंकि मुझे देखा है जब मैंने मीठा छोड़ा है तो मैं अच्छा मैंने पेट अपना और जिम पे और हेल्दी रहने में कभी कभार सर में दर्द ज्यादा रहता था ये वो तो वो मीठे से भी रिलेटेड होता है. एडेड शुगर जो चीज डलती है वाइट चीनी हर चीज में होती है. आप सॉस लेते हैं ना बारबेक्यू सॉस उसमें भी शुगर है. बारबेक्यू सॉस जो बॉटल वाली होती है इट हैज एडेड शुगर. अच्छा तो ये चीजें आपको बिला वजह इंसुलिन ट्रिगर करती है. अच्छा तो आप अगर होल फूड्स खाएं जरूरी है. तो तुम जो मतलब लाइक फुल हलवा पूरी वाली और ये पराठे इसके आगे तो पराठे बेचारे बच नहीं सकते आलू के अगर वो हो. अच्छा ये तुम्हें खाने से तो नहीं रोकता बस सदम मोटी हो जाओगी? नहीं क्योंकि होती नहीं है. मैं ये बोलता हूँ कि अभी तो खाया था फिर ये लड़ती है मेरे खाने में नजर नहीं रखो. तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई लाइक जब तुम नई नई आई थी या मॉडलिंग कर रही थी तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी? नो शी इज एन एक्टोमॉर्फ. ये तीन बॉडी टाइप्स होते हैं एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ एंड मीसोमॉर्फ. मीसो तो बिल्कुल आपको आप कुछ सूंघ भी लो तो मोटे हो सकते हो. ये मेरा ससुराल ठीक है लेकिन एंडोमॉर्फ मैं हूँ कि मैं ज्यादा अगर खाऊं तो मोटा हूँ ऐसे नहीं बिला वजह नहीं. एक होता है एक्टोमॉर्फ उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो खाए कार्ब्स होल्ड नहीं करती बॉडी. मेरी बॉडी अगर मैं रोटी चावल ज्यादा कर दूं तो होल्ड करती है. तुम भी जिम करती हो? मैं जिम नहीं करती हूँ पहले करती पहले करती लेकिन निदा मैं एक साथ खाना नहीं खाती हूँ. अच्छा मैं सबसे बेस्ट तो यही है ना मम्मा छह बार खाती है दिन में खाना. तो मम्मा भी कहती तुम इसलिए पतली रहती हो तुम थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हो. एक जगह का नाम नहीं ले सकता डिलीवरी की जगह है उसका हर राइडर हमारे घर को जानता है. हर राइडर उसका क्योंकि वो तीन दफा भी चक्कर लगा लेता है घर बस वो जान ही है काफी नगेट्स खाने चिकन खाना है एक एक चीज खानी है थोड़ा थोड़ा लेकिन खाते हैं. ये अच्छा आइडिया वैसे है ना मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है. ओके हाँ अच्छा वो एक बात जो सदफ बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना जो अभी तक तुम्हें लगता है मतलब माशाल्लाह डेढ़ साल हुआ है डेढ़ साल में तुम्हें क्या जाना कि एक बात सदफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना चिढ़ जाती है उस बात सदफ कभी चिढ़ती है सफाई वगैरह से हटके सफाई से हटके सफाई से हटके तो सदफ बर्दाश्त ना कर सके वो चिड़चिड़ी हो जाती है कि अगर मैं चुप हो जाऊं वो उसको नींद में से उठाना चिड़चिड़ा
अगर इसकी नींद खराब कर, अल्लाह यस यस मैं हाँ ओए होए 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 आज जो मैं लाया हूँ उसको सुबह, और आपकी टीम ने हमें बोला कि 8 बजे यहाँ आप लोग चाहिए, मतलब 6 बजे स्कोर। ये थोड़ा सा डिसिप्लिन है इस मामले में, टाइम और पंक्चुअलिटी, टाइमर लगाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। अच्छा तुम भी हो? हाँ, लेकिन उठती हो तो हो ना, मतलब शादी वादी पे टाइम पे पहुँच जाते हो तुम लोग, जब रुखसती हो रही होती तब पहुंचते। नहीं, टाइम पे पहुंच के शक्ल दिखा के निकले। शादी हुई नहीं किसी की, एक दो ही हुई है और हम कोरोना वजह से गए नहीं है। टाइम पे पहुंच, लेकिन वैसे भी तुम्हारी नेचर है कि तुम टाइम पे सेट पे भी, मैं सुबह रोल करवाता हूँ, इसलिए हीरोइंस बहुत सारी हैं जो तप जाती हैं कि सुबह ये सुबह क्यों रोल करवाता है। मैं 9 बजे या 10 बजे के बाद मुझे घर चाहिए, मुझे अपना गेम खेलना होता है, अपना थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना है, थोड़ी चीजें करनी है, अपने ड्रामे देखने हैं, चीजें देखनी है, तो वो मैं 10 से 12 एक बजे तक करना चाहता हूँ। मैं 11 12 तक नहीं बैठ सकता सेट पे। मैं सुबह कहता हूँ 10 बजे रोल करें, सोचें तो फिर वो तो नफरत ही करेगी मुझसे। सुबह सुबह हम उठा दिया 10 बजे रोल, मतलब कि 8 साढ़े 7 बजे मेकअप के ऊपर उनको बैठना पड़ता है फिर। मैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोलो सीन्स रखवाता हूँ शुरू में। मैं बोलता हूँ मेरे आपने अगर आज 14 या 12 सीन्स करने हैं तो मेरे सोलो से स्टार्ट कर ले, जो मेरे अकेले मॉन्टाज हैं। तुम अर्ली राइजर हो? ओह यस, आई वेक अप एट 8 9। और तुम सदफ शादी से पहले कितनी देर में उठती थी? शाम के 8 बजे 4 बजे 3 बजे उठती थी, शाम के 8 बजे नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया सदफ में, बहुत बड़ा। सुबह उठ जाती हूँ मैं 11 12 बजे। हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत अर्ली है। हर लड़की, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मॉडल हो, सुपर मॉडल हो, सबको जो है वो शादी के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने सुबह उठने के फायदे बताए और प्रूफ करके दिखाए। ऐसी बात नहीं है, सुबह उठ के तुम कितनी प्रोडक्टिव होती हो, रात को नींद बेहतर आती है, बिल्कुल आती है, किसी सोने के लिए किसी दवाई की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, नहीं। कुछ भी, ये आप रूटीन अगर अच्छी कर लें तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, जो जिनको रात को नींद नहीं आती वो एक्चुअली गलत रूटीन में है। आप सुबह अगर 8 9 बजे उठ जाएं तो आपको कैसे ना नींद आए, कैसे ना। ये तो है, रूटीन सही करना पड़ता। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।